नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर हम पहुँचे हैं पृथ्वीनाथ मंदिर में, जो देहरादून में एक बहुत ही मान्य मंदिर है। आपको बता दें कि ये देहरादून का कुछ पुराने शिव मंदिर में से एक है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ की शिवलिंग स्वंभू शिवलिंग है, जो ज़मीन के अंदर से प्रकट हुई। आपको बता दें कि यहाँ पे तीन शिवलिंग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की एक शिवलिंग है जो लुप्त हो चुकी है और वो अक्सर पानी के अंदर ही रहती है, उसे देखा नहीं जा सकता। आप सभी को बता दें कि हिंदू धर्म में शिवरात्रि की काफ़ी मान्यता है। कहा जाता है कि शिव जी देवों में वो देव हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और अक्सर अपने भक्तों की मनोकामनाएँ पूरी करते हैं। आपको बता दें, शिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कहते हैं कि आज शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी। इसको लेकर एक और कथा है। कहते हैं कि चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जंगल में शिकार करने गया था और उसने भूल से ही शिव जी की पूजा कर दी थी और शिव जी के शिवगणों ने उसे यमराज से बचाया था और उसे शिवलोक लेके गए थे। अगले जन्म में वह राजा चित्रभानु बना, जिसे सब कुछ याद था शिव जी की पूजा के लिए, और उसी ने शिवरात्रि की पूजा का आरम्भ किया। आप हमें अपना नाम बता दीजिए और आप इस मंदिर में कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरा नाम संजय कुमार गर्ग है और वैसे तो हम बचपन से ही जो है इस मंदिर में पूजा पाठ के लिए आते रहे हैं। और जहाँ तक संस्था का प्रश्न है, वर्ष 2000 में जो है ये संस्था का गठन हुआ और उसके पश्चात हम जो है लगातार यहाँ सेवा कर रहे हैं। जैसे पृथ्वीनाथ मंदिर देहरादून के कुछ पुराने मंदिरों में से, तो यहाँ की क्या मान्यता है और यहाँ पे क्या खास बात? कहते हैं ये पांडवकालीन मंदिर है और स्वयंभू सिद्ध पीठ स्थल है और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जैसे टपकेश्वर जी में तो तपस्या की थी, यहाँ भी जो है गुरु द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी। और यहाँ विशेषता की बात यह है कि यहाँ भोले बाबा तीन रूप में विराजमान है, दो पिंडी साक्षात हैं और एक पिंडी आलोप है। तो हमारे महाराज जी का कहना है कि ये यहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप के दर्शन इस मंदिर में होते हैं। तो आज महाशिवरात्रि के अवसर पर ऐसा क्या है जो भक्तों को करने चाहिए जिससे शिव जी जल्दी खुश हैं, ऐसी कुछ? शिव जी हो या कोई भी भगवान हो, अगर आप पूजा करते हैं, पूजा के साथ साथ अगर आपके सात्विक कर्म नहीं है, अपने माता पिता का आदर, नारी का सम्मान, तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो भगवान भोलेनाथ ज्यादा प्रसन्न जल्दी प्रसन्न होंगे। उन्होंने तो गणेश जी को वरदान ही इस बात में दिया था कि उन्होंने अपने माता पिता को प्राथमिकता दी थी परिक्रमा में। तो जो अपने यहाँ जल चढ़ाए, अपने माता पिता का कहना माने, नारी का सम्मान करे, भ्रूण हत्या ना करे, तो जो है भोले बाबा उस पर जल्दी से प्रसन्न होंगे। ठीक है, धन्यवाद। पंडित जी, आप हमें अपना नाम बताइए और बताइए आप इस मंदिर से कितने सालों से जुड़े? मेरा नाम भारत भूषण भट्ट है और मैं इस मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ और मैं जो हूँ इस मंदिर में 22 साल से मैं इस मंदिर सेवारत में हूँ। जैसे आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में किस प्रकार से पूजा की जाती है, क्या भगवान शिव को चढ़ाया जाता है? शिवरात्रि में भगवान शंकर जी की जो है 4 पहर की पूजा होती है और इसमें जो है पूजा जो है भगवान शिव की पूजा जो है जल अभिषेक रुद्राभिषेक होता है, रात के 12 बजे से शुरू हो जाता है। रात के 12 बजे से शुरू होने के पश्चात फिर ये सुबह के 6 बजे तक चलता है। उसके बाद जो है पूजन होता है, पूजन होने के बाद भी भक्त लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हमारे यहाँ मंदिर में जो है श्रृंगार होता है, भव्य श्रृंगार होता है। उसके बाद हमारे यहाँ आरती होती है, भव्य महाआरती होती है, फिर उसके बाद रात को 9 बजे आरती होती है, फिर 12 बजे आरती होती है, भस्मी आरती होती है। तो जैसे ये मंदिर सबसे पुराना मंदिर है शिव मंदिर देहरादून में, तो इसमें कुछ अलग ऐसे कार्यक्रम होते हैं शिवरात्रि के दिन, यहाँ की कुछ अलग मान्यता रही? यहाँ पे स्वयंभू शिव मंदिर है, सिद्धपीठ है, जो भी भक्त यहाँ पे कामना करने आते हैं, मन से करते हैं, उनकी कामना भगवान शिव भोलेनाथ पृथ्वीनाथ महादेव पूरी करते हैं, क्योंकि पृथ्वी के नाथ जो है महादेव हैं। और ये जो है कामनाओं को पूर्ण करके जो है भक्तों की के ऊपर कृपा करते हैं। और यहाँ पे जो है शिवरात्रि हुई, जन्माष्टमी हुई, या जो भी त्यौहार आते हैं उसको भव्य रूप में बनाए जाते हैं। शोभा यात्रा अब जो है अप्रैल में भव्य शोभा यात्रा बालाजी की होगी, वो भी मनाया जाता है। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे,
और भगवान हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। शिव जी की पूजा जो है शिवरात्रि में शिव का माना जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी आते कृष्ण को मनाया जाता है, और जो बालाजी की यात्रा होती है उसमें भगवान हनुमान जी का भी पूजन होता है। तो जैसे आज शिवरात्रि है तो आप भक्तों को कुछ कहना चाहिए, कुछ चीज़ें करने से शिव जी जल्दी खुश होते हैं, आज कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से करनी करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा जो है रुद्राभिषेक मेन होता है, जिसमें भगवान शिव के जो वैदिक मंत्र होते हैं उसमें भगवान शिव के वैदिक मंत्रों से भगवान जो है शिव प्रसन्नता होती है, और वैदिक मंत्रों में जो है भगवान का पूजन किया जाता है, दूध दही शहद घी शक्कर से स्नान किया जाता है और रुद्र का पाठ होता है उसमें, और भगवान की पूजा करके प्रार्थना की जाती है और वैदिक मंत्रों से उसके फल की प्राप्ति होती है, कामनाओं की घर की सुख शांति के लिए जो है ये कामना की जाती है। धन्यवाद। जैसा कि आप सबने देखा कि हम आज मंदिर पहुंचे और हमने पंडित से बात की, यहाँ के पुजारियों से बात की, उन्होंने शिवरात्रि के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें भी बताई, और यहाँ पे लगातार भक्तों की भीड़ भी देखी जा सकती है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के लिए।